बहरहाल मेरी बेटी, मैंने जो बताया था ना कि रिश्ते के लिए सूरत अर्रहमान 3 दफ़ा पढ़ें, आप पढ़ रही, अच्छी बात है। ये नहीं होता है कि उसका नतीजा ना निकले, कम से कम यही थोड़ा नतीजा है कि 3 दफ़ा तुम्हें सूरत अर्रहमान पढ़ना नसीब हो जाता है। इसी बहाने से अल्लाह के कुरान की सूरत 3 दफ़ा रोज़ पढ़ी जाए तो उसके पढ़ने में कितना सवाब है। बाकी रिश्ते के लिए भी अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है, वो वक्त जब होगा और जहाँ अल्लाह का फैसला है वहीं होगा। आप उस पर यकीन रखें, अमल करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने वजीफ़ा पढ़ा है 2 दिन में काम हो जाए। अंबिया की दुआएं भी अल्लाह ने 70-70 साल के बाद मंजूर फरमाई हैं। मर्द किसी औरत से एक शर्त पे निकाह करे कि उसकी जायदाद की वारिस नहीं होगी, तो ये कायदा है कि जो शर्तें इस्लाम के अहकाम के खिलाफ हैं वो लगव हैं, ऐसी कोई शर्त जायज नहीं। उसको अल्लाह ने वारिस बनाया, तुम कौन हो शर्त करने वाले? लाख शर्त करो, तेरे मरने के बाद वारिस है। मेरी बीवी मेके जाने की जिद करती रहती है और वो भी 15 दिन के लिए। मैं कहता हूँ कि 1 या 2 दिन के लिए चली जाओ, लेकिन वो नहीं मानती, तो आपसे तंग होगी ना, इसीलिए वो बाहर गुजारना चाहती है। अगर आपको खुश रखेंगे तो माँ बाप के घर कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें, जब वो तैयारी करें ना, आप भी साथ चल जाएंगे, जहाँ 15 दिन रहना मैं भी आपके साथ। फिर उसके वालिद उसको खुद भेजेंगे कि निकलो हमारे घर से। एक मौला ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अगर किसी ने जिमा किया है तो लाजमी बात है कि उसके लिए फिर 2 महीने के रोज़े उसको रखने होंगे कफ़ारे के लिए। लेकिन अगर रमज़ान का रोज़ा हो, नफली रोज़ा हो, तो फिर कज़ा करेगा और तौबा करेगा। अगर निकाह हो गया, रुख्सती नहीं हुई, तो हक्कल महर देना पड़ेगा। अगर रुख्सती नहीं हुई लेकिन मियाँ बीवी एक कमरे में बैठ के मिले हैं, यानी बातें चाहे बातें ही की हैं अलहदगी में, पर पूरी महर देनी पड़ेगी, वरना आधी देनी पड़ेगी। शादी को 3 साल हो गए, मेरा खामद अपनी अम्मी की वजह से मुझसे लड़ाई करता है। अब भी मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे ही कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, खुश नहीं हूँ। बहरहाल आप या लतीफ़ हो या वदूद हो, पढ़ के दुआ किया करें, अल्लाह खावंद के साथ आपका ताल्लुक दुरुस्त कर दे। अल्लाह बैन गुलूबिकुम वसले ज़्यादा बैन गुम। मेरा दोस्त कहता है कि रफल यदैन करने की हदीसें जो हैं वो बहुत हैं और न करने की जो है वो ज़यीफ़ है, तो वो करता है, हम तो नहीं रोकते उसको, हमने तो कभी मना नहीं किया। लेकिन बहरहाल रफ़ यदैन न करने की रिवायात भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुलफ़ाए राशिद अबी बकर उमर उस्मान वाली नहीं करते थे, उनको हदीसें नहीं मिली। मेरी बीवी मेरे हकूक़ अदा नहीं करती, मैं मजबूरन दूसरी औरत के साथ गुनाह कर रहा हूँ, आप तौबा करें। वो आपके हकूक़ अदा नहीं करती, आप जिना का गुनाह कर रहे हैं। नहीं करती, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, बस। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम जिना करते रहो,